अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज थोड़ा सा जो टॉपिक है वो हट के है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के बोर्ड आपसे बात करूँगा और थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मैं जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, अगर आप करना चाहते हैं या उससे जो अर्निंग है वो स्टार्ट करना चाहते हैं वो, तो वो किस तरह कैसे होगी। इसकी वजह ये थी कि मेरा एडसेंस का एक जो पिन होता है वो आ गया, तो सिंपल कुछ इस तरह का होता है। और ओपन करेंगे आप तो इसके अंदर एक ऐसे कोड लिखा होता है जो आपको मैं शो नहीं करा सकता ऑफकोर्स, तो उसके थ्रू अपना जो है आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई होता है और आफ्टर डैट जो है आप जो वेस्टर्न यूनियन जो बैंक के थ्रू जो है अपनी जो अमाउंट है वो निकलवा सकते हैं। और सबसे पहले बात कर दूँ, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट या यूट्यूब का चैनल तो उसका क्या तरीकाकार है। आपके पास जीमेल या गूगल के जो है वो अकाउंट तो ऑलरेडी होगा, तो आपने सिंपल जो यूट्यूब पर जाना है वहाँ पर साइन इन होना है और वहाँ पर क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन आएगा आप वहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। उसके बाद उस अकाउंट को आप जो है एडसेंस के साथ लिंक करेंगे और उसके बाद आप वीडियो अपलोड करेंगे। अब जो है उसका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे जो है सॉरी 4000 घंटे जो है वॉच टाइम वो कंप्लीट करना होता है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा और आफ्टर डैट जो है वो आपको परमिशन देंगे कि आपका जो है अकाउंट वो या चैनल जो है वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो एक तो इसकी ये रीज़न है। तो अगर आप चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के और इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ट्यूटोरियल कंप्लीट बनाए हुए हैं कि अगर आप चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरा जस्ट गाइडलाइन थी कि आप जो है उसको तरीकाकार इसका क्या है और आपको उसके थ्रू अर्निंग कैसे आएगी। तो एडसेंस पे जो है उसकी अर्निंग आती है और वहाँ से आप जो है वेस्टर्न यूनियन पे जो है आपका अकाउंट जो जिस बंदे का होगा जिसके थ्रू आप निकलवाना चाहते हैं उसका आप जो है सिर्फ नाम लिखेंगे तो अमाउंट उसके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो आप जाके वेस्टर्न यूनियन से जो है वो विड्रा कर सकेंगे। दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर और वीडियो आप देख लें। नाउ कम टू द माय पॉइंट, मैं 2017 की बात है अक्टूबर में, तो मेरे पास उस टाइम कुछ करने को था भी नहीं, मैं फ्री था। तो बल्कि उससे भी हम पहले ज़रा से बात कर लेते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं 2008 के अंदर यानी कि तकरीबन जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट इस साइड पे था। तो फाइनली मैंने FSC की स्कॉलरशिप हासिल की और आफ्टर डैट जो है मैं यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ पर मैंने जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के दौरान मैंने वर्कशॉप में भी काम किया क्योंकि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीखना था, तो मैं रावलपिंडी में तकरीबन 4 मंथ जो है वो वहाँ पे मैं रहा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिर मुझे वहाँ से भी जाना पड़ा क्योंकि मैं कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से जो है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मैंने इंजीनियरिंग की 4 सालों में चीज़ नहीं सीखी थी वो मैंने वहाँ पर सिर्फ 4 मंथ में सीख ली, तो प्रैक्टिकल का ये डिफरेंस जो है वो होता है। तो नाउ कम टू द मेन पॉइंट के चैनल कैसे क्रिएट हो। जब मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था तो उस दौरान भी मैं थोड़ा लेट जाता था क्योंकि वो वर्कशॉप जो थी वो रात को 12-1 बजे तक जो है वो चलती थी, उसका जो काम था वो लेट स्टार्ट होता था। तो फ्री होने की वजह से मैंने यूट्यूब तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, बहुत से जो ब्लॉगर हैं बहुत से जो लोग हैं उनको मैं फॉलो कर रहा था। एक क्रिस फिक्स है जो कि कनाडा के उसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका रिव्यू और काम करने का तरीका जो है वो अप टू द मार्क और बहुत ही ज़बरदस्त था। सो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से अर्निंग भी स्टार्ट होती है क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो है टेक्नोलॉजी से इतना दूर रखा गया है कि हमें पता भी नहीं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाएगा सही तरीके से और इससे जो अर्निंग है वो कैसे की जाएगी। तो बहुत से लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं या आते भी हैं या नहीं आते हैं, तो लोगों को इसके अबाउट कन्फ्यूजन है क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग एक तरह की है, तो लोगों को ये फ्री लांसिंग का तरीकाकार है, तो लोगों को अभी तक इसका नॉलेज भी नहीं दिया गया जो पाकिस्तान यही वजह है कि इस वजह से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया जब तो मुझे नहीं पता था कि ये सारा जो तरीकाकार है लाइक अर्निंग के लिए होता, तो मैं उसके ऊपर सिंपल एक वीडियो अपलोड करता था। तो वीडियो अपलोड करने के बाद तकरीबन जब 2018 के फरवरी में जाकर मुझे पता चला कि यहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट होती है और एडसेंस जो भी नाम की कोई चीज़ होती है जिसको इसके साथ लिंक किया जाता है। तो जब मैंने इसको लिंक किया तो मुझे पता चला कि इसके लिए उस टाइम कंडीशन थी कि आपके 10,000 जो व्यूज़ हैं वो होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब मेरा तकरीबन मार्च में हुआ तो मार्च में 10,000 व्यूज़ मेरे कंप्लीट हुए तो उन्होंने यूट्यूब में अगेन पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी कि आपके 1,000 सब्सक्राइबर भी होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी होना चाहिए, तो एक नई सरदर्दी स्टार्ट होगी। एनी हाउ अल्लाह अल्लाह करके वो भी कम्प्लीट हुआ, तो जून में जाके मेरा जो है वो अकाउंट जो है अप्रूव हुआ, लेकिन एडसेंस जो है मेरा दूसरे दिन बंद हो गया। उसकी रीज़न क्या थी कि नॉलेज नहीं था, तो इसलिए नॉलेज ये नहीं था कि मैंने 2 एडसेंस अकाउंट जो है वो बना लिए थे, तो आप एक ही नाम पे 2 एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हैं, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था जिस वजह से मेरा अकाउंट जो है टर्मिनेट हो गया। तो बड़ा मुझे दुख हुआ क्योंकि मैंने 6-7 माह जो है वो इसके ऊपर काम किया था और तकरीबन 80 वीडियो अपलोड किए थी। उस टाइम मेरे पास सब्सक्राइबर तकरीबन 5,000 के करीब थे। सेकेंड अकाउंट मैंने क्रिएट किया तकरीबन जुलाई में जाके, तो वो भी अच्छा खासा चला। 3.5 मंथ जो है तकरीबन उसमें 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच घंटे जो है वो कंप्लीट हो गए और आफ्टर डैट जो है वो भी टर्मिनेट हो गया। तो उसकी रीज़न ये थी कि मुझे अगेन नहीं पता था कि मेरी रीज़न क्या बनी एडसेंस की,
मुझे लगा कि शायद मैं खुद वीडियो देख रहा हूँ या क्या मसला है, तो मुझे नहीं पता था। यूट्यूब पे भी सर्च किया, कुछ सही तरीके से पता नहीं चल रहा था। तो मेन पता ये चला कि आप अगर आपका एक एडसेंस बंद हो जाता है एक बंदे का, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे है, तो अब पूरी लाइफ जो है आप मैं अपने नाम पे दोबारा एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकता। तो मैंने वो गलती की थी, तो कि मेरा पहला एडसेंस जो बंद हुआ था मैंने अपने नाम पे दोबारा बना लिया था, तो ये गलती होने की वजह से जो है वो दोबारा टर्मिनेट हो गया। सो 2008 और तकरीबन जो है सितंबर अक्टूबर का महीना है, मतलब एक साल होने वाला था मेरे इस काम को, और अभी तक मेरी कोई अर्निंग अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई थी। और उसके साथ साथ जो है काम जो है, मतलब मैं सीख रहा था, आल दो मेरी जो है एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी चीज़ों को पिकअप करने की और लर्न करने की, सॉफ्टवेयर मैंने काफ़ी ज़्यादा सीख लिए थे। नाउ कम टू द गेन पॉइंट, फिर मैंने तीसरा चैनल बनाया जो अभी ये चल रहा है। तो ये चैनल तकरीबन 2 मंथ के अंदर अंदर इसके जो व्यूज़ हैं और इसके जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया था। इसके साथ साथ जो इसका फिर एडसेंस जो है वो किसी और के नाम पे है ऑफकोर्स, तो 15 दिन के अंदर अंदर मेरा एडसेंस जो है वो अप्रूव हो गया था। अब जहाँ तक बात तो ठीक है, उसके बाद आपके जब पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एड के जब लगने लग जाते हैं वीडियो के ऊपर तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपका पिन आता है। अब पिन आने में मुझे 2 मंथ हो गए, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे लेकिन अब पिन नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से पिन मेरे एड्रेस पर पहुँचा। हमारा पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है वो भी माशाल्लाह से इतना डिफ़िकल्ट है, या मतलब गांव तक वो जाता नहीं, जिस दोस्त का एड्रेस था वो थोड़ा चेंज था, तो उसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ना एड्रेस जो है वो कौन सा देना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्सी हैं, या कॉम्प्लेक्स इतनी नहीं बल्कि बताया नहीं जाता, जिस वजह से ये तमाम मसाइल होते हैं। सो फाइनली पिन आ गया, तो अब चीज़ें जो है स्मूथ चल रही हैं। सो अब डिफ़िकल्टी मुझे क्या क्या आई, मुझे सबसे पहले ज़्यादा मसाइल आई फील कि मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी है वो फैमिली की तरफ से, मेरे कुछ करीबी लोग हैं उनकी तरफ से। बिकॉज लोगों को लगता है कि यार अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं ना, तो डैट इज़ अ जॉब, उसमें आप जो है वो जॉब है, बेशक आप वहाँ पे ऑफिस में जाएं, वहाँ पे गप्पे मार के और सारा दिन टाइम ज़ाया करके वहाँ टीवी देखें, आपस में गेमें खेलें, मूवी देखें, जो कुछ करें, लोग काम भी करते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बट ऑफकोर्स ये चीज़ें भी सारी होती हैं। तो डैट इज़ जॉब, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी इज्जत है, सारा कुछ। और मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि इस्लाम में बताया गया है कि आप तिजारत करें, नौ से रिज़्क उसमें एक साथ जो है वो मुलाजमत में है, उसके बावजूद हमें लगता है कि मुलाजमत करके या कोई ऐसी जॉब करके जो है वो हमारी इज्जत बढ़ रही है, जॉब नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं होगी। आप पता नहीं इसकी क्या सेंस बनती है, अगर आप लोगों को पता तो मुझे ये भी बता दें। तो मेरे इशू ये था कि घर वाले, मैं उनको बताता था मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, वो कहते थे ये क्या काम है, ये फजूल सा काम है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि तुम सारा दिन घर में वेले बैठे रहते हो लैपटॉप के ऊपर और तुम्हें कोई काम नहीं होता करने को, या तुम बाइक पे जाते हो 5-6 घंटे लगा के आते हो और ना फिर लैपटॉप के ऊपर बैठ जाते हो। सो मेन चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को लगता है कि ये 6 मिनट की या 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो है, इसमें कितनी देर लगती होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टाइम कितना लगता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो जो है वो अपनी पहली बनाई थी, तो उस वीडियो को सिर्फ मुझे 6 मिनट की वीडियो, मुझे अभी भी याद है, उसको बनाने में मुझे 3 घंटे लगे थे, क्योंकि मुझे लाइनें याद नहीं होती थी, कैमरे के आगे जाता था, बोलना कुछ होता था, बोल कुछ देता था, तो इस वजह से मुझे पहली वीडियो जो शूट करने में 3 घंटे लगे थे, और ये 3 घंटे कंटिन्यूस थे। ये नहीं कि मैंने आधे घंटे बाद ब्रेक ले लिया, 1 घंटे बाद ब्रेक ले लिया। मेरे दोस्त जो मेरे साथ जो रहते थे उन्हें पता है कि मैंने स्टार्ट में मेहनत की, और हर बंदा करता है, सिर्फ मैं नहीं करता। फिर मुझे सॉफ्टवेयर एडिटिंग का नहीं पता था, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर कभी यूज़ ही नहीं किया था ये वाला। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसको एडिट करने में मुझे तकरीबन 15 घंटे लगे थे, और ये 15 घंटे भी ऐसे हैं कि मैं लैपटॉप के ऊपर बैठा हूँ, वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, उसमें 100 गलतियाँ निकलती थी, इतनी मिस्टेक्स होती थी, बहुत सी चीज़ें मैं गलत बोलता था, बहुत सी लाइन गलत बोलता था, बार बार कट करना पड़ता था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको लर्न करने में मुझे 1 साल या इससे ज़्यादा टाइम लग गया। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि बस आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो बस सारा चीज़ जो है वो अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ देनी है, ऐसी बात ही है, अल्लाह के ऊपर इंसान छोड़ता है, पर आपकी अपनी भी मेहनत होती है, आपने कुछ लर्न किया होता है तभी आप किसी एक पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो अब अगर आप मेरी वीडियो देखें जो कि अभी जो लास्ट 2 अपलोड हुई हैं, तो तकरीबन 7 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो है, और ऑफकोर्स जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वीडियो में एक भी कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे 1.5 साल लगाए ये चीज़ें सीखने में कि किस तरह जो है वो वीडियो शूट की जाती है और चीज़ों को लर्न कैसे अपने माइंड के अंदर किया जाता है, और ऑफकोर्स अभी बहुत सी चीज़ें जो सीखने वाली हैं, और इवन जो वीडियो एडिटिंग जो कि 15 घंटे में मैं लगाता था स्टार्ट में जब मैंने वीडियो एडिट करनी होती थी, अब वही काम मैं 20 मिनट के अंदर कर लेता हूँ। मुझे पता है कहाँ पे कट लगाना है, क्योंकि अंदर मिस्टेक्स नहीं होती, मुझे पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है, म्यूज़िक क्या ऐड करना है, उसकी कितना वॉल्यूम रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सीखने में 1.5 साल लगा। अब जो मेन क्वेश्चन है या मेन चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, कि कोई भी काम जो होता है ना वो एक दिन में नहीं होता, और मुझे ये चीज़ स्टार्ट से ही समझ लग गई थी जब मैंने मेरे माइंड में था, मतलब मुझे ये लगता है कि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम होता है, कुछ लर्निंग प्रोसेस होता है, आप लर्न करेंगे तब भी आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे। अगर आप में से कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो अब ये नहीं हो सकता कि वो 20 साल का हो जाए या 25 साल का हो जाए और एकदम से वो कहे कि मैंने बाकी क्लासेस तो पढ़नी नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला देते, मैं 25 साल या 20 साल का तो ऑलरेडी हो चुका हूँ,
तो बाकी की तालीम जो है वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपको बचपन के अंदर ही आपको जो है वो मतलब प्रेप क्लास से आपको इंटर किया जाता है, वहाँ से आप एजुकेशन हासिल करते करते एक मकाम पे, एक लेवल पे पहुँचते हैं, या आप पैदा होते हैं तो आप कोई 6 माह के अंदर आप बड़े नहीं हो जाते, 6 फुट के तो आप नहीं हो जाते हैं ना, बल्कि एक पूरा प्रोसीजर, एक लर्निंग की लाइफ है। तो हर काम जो होता है, आपने तरक्की करनी, आपने बिजनेस करना, आप जॉब करना, हर काम में एक जो है वो प्रोसेस होता है। मे भी लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है या ऑनलाइन काम जो होता है ये इससे फजूल कोई काम नहीं, हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो, बट आई थिंक जब वो इस फील्ड में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि इस फील्ड में भी वैसे ही लर्निंग लर्निंग है जैसे हम नॉर्मल काम में करते हैं। इस फील्ड में ही ग्रेजुअली जो आपको है एक काम करना होता है, उसके बाद आप किसी मकाम के ऊपर पहुँचते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो आई थिंक डोंट अंडर एस्टिमेट ऑल दोज पीपल जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं। और मुझे ये चीज़ स्टार्ट में पता चल गई थी कि मैं 9 to 5 वाला बंदा नहीं हूँ, मुझसे जो है वो जॉब वाला सिस्टम नहीं होता। मैं 2 दफ़ा जॉब करने भी किया तो कुछ टाइम करने के बाद मैं मतलब कम्प्लीटली बोर हो जाता था। तो ये जो काम था एक जिसमें मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया कि मैं कुछ का लर्न भी कर रहा हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ, तो मैंने यही करने लग गया। और मैं आपको लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत से जो हैं वो यंग लोग देखते हैं, उसकी वजह ये है कि मुझे पता चल जाता है YouTube स्टूडियो में कि कौन सी जो एज के लोग हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। तो आप कम से कम जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में एक ट्राई, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप उस काम को ज़रूर दें, ताकि आपको ज़िंदगी में बाद में कभी रिग्रेट ना रहे कि मैं तो ये करना चाहता था, ये करना चाहती थी तो मैं नहीं कर सकी, क्यों, क्योंकि हालात ऐसे थे। मुझे अभी मेरी फैमिली जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करती, और इसकी रीज़न यही है कि उनको लगता है कि ये कोई ऐसा इज़्ज़त वाला काम नहीं है। आई डोंट थिंक, हो सकता है वो ठीक भी हो क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, बट आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई कि देखते हैं कि क्या होता है, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं, और इंशाल्लाह जो है विद द टाइम जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। सो अगर आप लोग भी वो काम करना चाहते हैं जिसका आपको शौक है, जिसका आप चाहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो गो फॉर इट, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं और जो आपका दिल करता है उसके दरमियान और आपके दरमियान जिस एक ही जो चीज़ है जिसका डिफरेंस है, और वो है स्टेप है। हम लोग बहुत से जो है वो प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद जो है बहुत सी डिस्कशन होती है, बहुत से लोगों से पूछते हैं, बट एक मेन मकसद मसला जो जो हम वो नहीं कर पाते वो होता है कि स्टेप लेना। हम उस काम को कभी स्टेप नहीं लेते, और ये इवन थ्योरी जो है बहुत सी रिसर्च जो है उसके बाद पता चला है कि इंसान जो है अगर 100 लोग हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनमें से 90 या 80% लोग जो हैं वो काम नहीं करते, और उनमें से जो है वो 60% वो लोग होते हैं जो वो स्टेप ही नहीं लेते। तो मेन मकसद जो होता है वो स्टेप लेना नहीं होता, कि आप लोग जो स्टेप नहीं लेते। तो काइंडली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, उसकी आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप दिल से जब मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको, मैंने क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत सी फेस की हैं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इन चीज़ों से, कि जो भी इंसान जो भी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो उसने कुछ डिफ़िकल्टीज जो है वो यानी कि लाइफ में जो है वो फेस की होती हैं, तभी वो किसी मकाम के ऊपर पहुँचता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी जो है वो पेश मतलब आपको आप उसका फेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी होने वाली बात नहीं है। ये टाइम जो है अगर आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट जो है अगर आप रहेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद जो है आप इस फेज से निकल आएंगे और एक जो नया दौर है आप लोगों के लिए आएगा जो इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके अलावा मेरा जो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, यहीं पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल जो क्रिएट करना चाहते हैं, या आप कोई लेना चाहते हैं कि टिप लेना चाहते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं या इस तरह का कुछ, या आप ये जानना चाहते हैं कि हम जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको क्रिएट करें कि हमारा कोई मसला बाद में ना आए एडसेंस से किसी चीज़ का, तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस चीज़ के रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करता हूँ कि जो भी कमेंट्स होते हैं मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँ। सो बस ये वीडियो थी आज की, और आई थिंक ये कुछ बड़ा ही लेक्चर हो गया लंबे ज़्यादा वीडियो का, तो मैंने कुछ बातें थी वो शेयर करनी थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एनी हाउ वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही लंबी सी लिस्ट है जिन्होंने मुझे जब मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, डिफ़िकल्ट टाइम नेवर मीन्स इन सेंस ऑफ फाइनेंशियली, बट ये होता है कि आप लोगों को जो मोटिवेशन और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है, एंड आई होप सो कि वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जिन्होंने आपकी ऐसी हेल्प करेंगे जब आप कुछ करना चाहेंगे, सो हेल्प कीजिए दूसरों को मोटिवेट करें, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं अगर वो अच्छा है तो गो फॉर इट।
एंड थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat lead me straight to you. I know you.